दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी, जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहिणी एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो खास तौर पे रहेगी फेब एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स लुक आफ्टर कर रहे हैं कि वो आईएलटीएस का एग्ज़ाम कौन सी डेट्स को बुक करें, आईएलटीएस एकेडमिक का पेपर कब होगा, आईएलटीएस जर्नल का पेपर कब होगा। अगर आप यूके वीआई आईएलटीएस कर रहे हो तो आपके लिए कौन सी सूटेबल डेट्स अवेलेबल रहेंगी फेब मंथ में, ये सारी डिटेल्स रहेंगी मेरी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता चल सके कि फेब में कौन कौन सी आईएलटीएस की डेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप आईएलटीएस एकेडमिक कर रहे हो, जर्नल कर रहे हो, या अगर आप आईएलटीएस यूके वीआई कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी सीट्स मिल जाएंगी और उन डेट्स को आप कब तक बुक करवा सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेब में टोटल डेट्स की, तो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए फेब मंथ में टोटल 5 डेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहली डेट रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ फेब को, दैट इज 4th ऑफ फेब्रुअरी। 4th ऑफ फेब्रुअरी की डेट्स, जैसे अब कुछ ही दिन रह गए हैं 4th ऑफ फेब के एग्जाम को, सो बहुत कम दिन रह चुके हैं। सो आई वुड रिकमेंड अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ फेब को अगर आप अपना पेपर देने का सोच रहे हो, आप अपनी आईएलटीएस प्रिपरेशन के साथ कंप्लीट कर चुके हो, सो आई वुड रिकमेंड यू टू बुक आईएलटीएस 4th फेब एग्जाम नाउ। आप विद इन अ डे और टू अपने 4th फेब्रुअरी के एग्जाम को बुक करवा लीजिए, जिससे कि आपको आगे वेन्यू आने में कोई टाइम या कोई दिक्कत परेशानी ना हो, टाइमली आपका वेन्यू आ जाए। और अगर आपका ये माइंडसेट है कि स्पीकिंग कब आएगी, तो अगर आप पहले पेपर बुक करवा लोगे तो आपकी स्पीकिंग भी पहले आ जाएगी। इसके अलावा फेब में और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जो डेट्स अवेलेबल हैं, उसमें है 11th, 18th एंड 25th। सो ये टोटल 4 डेट्स अवेलेबल रहेंगी आईएलटीएस एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए फेब्रुअरी मंथ में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट वीक में 4th फेब के साथ पेपर बुक कर सकते हैं, सेकेंड वीक में आप 11th फेब्रुअरी के साथ अपने पेपर को बुक कर सकते हो, एंड आफ्टर मिड ऑफ फेब्रुअरी आपके पास 2 डेट्स रहती हैं, दैट इज 18th फेब एंड 25th फेब। ये टोटल डेट्स अवेलेबल हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जनरल ट्रेनिंग का पेपर देना चाहते हो, अगर आप जीटी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए फेब मंथ में बहुत कम डेट्स अवेलेबल रहेंगी गाइस। सिर्फ 2 ही डेट्स अवेलेबल हैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो जनरल स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम जल्दी बुक करवा लेना है, क्योंकि ज़्यादा डेट्स भी नहीं हैं और सीट्स भी लिमिटेड हैं। सबसे पहली जो डेट रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो होगी 11th फेब्रुअरी। 11th फेब को जो आपका पेपर होगा उसकी बहुत लिमिटेड सीट्स रह चुके हैं, अभी से ही बच्चे अपना एग्जाम बुक करवा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आपने अभी तक माइंड प्लान नहीं किया है तो आप अपना जर्नल ट्रेनिंग का पेपर या 11th फेब्रुअरी या फिर 25th ऑफ फेब्रुअरी के लिए बुक करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, ये आईएलटीएस एग्जाम के लिए हैं एकेडमिक एंड जर्नल स्टूडेंट्स की। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग आईएलटीएस यूके वीआई कर रहे हो, क्योंकि आजकल यूके वीआई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, खासतौर पर वो बच्चे जो कि अपने आप को फाइलिंग में प्रोसीड करना चाहते हैं यूके के साथ, तो अगर आप यूके वीआई आईएलटीएस कर रहे हैं तो उसमें भी एकेडमिक और जर्नल स्टूडेंट्स के लिए डेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप यूके वीआई आईएलटीएस एकेडमिक स्टूडेंट हो तो आपको 4 डेट्स यहाँ पे भी मिल जाएंगी, बट उसमें जो 4th फेब की डेट्स हैं गाइज, वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। आपको फर्स्ट फुल डेट ही मिलेगी 4th फेब की, तो वो डेट्स आप बहुत कम सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं जहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको पूरी डेट्स बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहली डेट है 4th फेब, 11th फेब, 18th फेब एंड 25th फेब। तो ये 4 डेट्स हैं जिसमें से 4th फेब की डेट्स काफ़ी हद तक फिल हो चुकी हैं। ज़्यादातर सेंटर्स में 4th फेब की सीट्स के चांसेस हैं कि आपको ना ही अवेलेबल मिले, बट इसके अलावा आप 11, 16 एंड 25 फेब की डेट्स के साथ ज़रूर प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आप यूके वीआई जर्नल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हो, आपने जर्नल पेपर बुक करवाना है, तो यहाँ पे भी सिमिलर आईएलटीएस स्टूडेंट्स के जैसे ही आपके पास 2 डेट्स अवेलेबल हैं, जो कि है 11th एंड 25th फेब। तो ये 2 डेट्स रहेंगी यूके वीआई जर्नल कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी डेट्स अभी तक फिलहाल अवेलेबल हैं, अगर आप अपना एग्जाम बुक करवाना चाहते हैं
तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की करिए और आप बहुत आसान और सिंपल प्रोसीजर के साथ अपने एग्ज़ाम को घर बैठे ही बुक करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपका सारा वेन्यू, सारी डिटेल्स आपको टाइमली पहुँच जाएंगी। जस्ट आपको एक छोटा सा काम करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो आपकी रिलेटेड टू एग्ज़ाम और एग्ज़ाम बुकिंग, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी, जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।